मीन्स टू से कि माइनर लॉ पेपर का हम पूरा का पूरा वीडियो बना दिए हैं, पूरा का वीडियो, एक एक सेक्शन को बताएं पूरे डिटेल में, एक एक सेक्शन को, एस सी एस टी एक्ट का, पॉक्सो का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, डॉरी प्रोहिबिशन का, एक एक सेक्शन बताए हैं, एक एक सेक्शन को हम बता दिए हैं इसमें जो रूल्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु क्लेरिफाई बिहार एपीयू एग्जाम 2020। आप लोग ये मान के चलिए कि अभी सफर शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। प्री के बाद अभी मेंस होना है, और मेंस का तैयारी कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस एक्ट को कैसे पढ़ना है, माइनर एक्ट को कैसे हम पढ़ के कंप्लीट करें विद इन द टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ये सभी बातों को आज हम बताएंगे आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा, लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हो तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि देखो एपीयू एग्जाम में जो पूछे जाते सब्जेक्ट्स हैं, जिससे क्वेश्चंस बनता है, वो क्या है, सीआरपीसी है, करेक्ट, क्या है, एविडेंस एक्ट है, करेक्ट, उसके बाद क्या है, आईपीसी है ना। तो ये अभी हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को शुरू से, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग हम लोग शुरू किए हैं, और डिटेल में बता रहे हैं बातों को। क्लास अटेंड करो, बहुत बहुत बेनिफिट होगा आपको। आपको अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जो डेली क्लास हो रहा है तो अगले दिन का जो लिंक है आपको मिल जाएगा क्लास का, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो स्पेशल क्लास मीन्स टू से लाइव क्लास का लिंक और मेरा प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आपको जो फ्री एसेस होगो लाइव क्लास का, उसके लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा, अनलॉक कोड, जी हाँ, अनलॉक कोड आपको यूज करना पड़ेगा, और ये अनलॉक कोड है लॉ इज लाइफ, जी हाँ, प्लीज राइट डाउन, लॉ इज लाइफ ही है अनलॉक कोड, जो हमारे चैनल का नाम है। तो आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको फ्री एक्सेस हो जाएगा लाइव क्लास का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन लो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। ये तो हो गया अनअकैडमी से रिलेटेड बात। लेकिन अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप, जुडिशियल ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, कोई क्वेरी है इंस्टाग्राम पे मुझे बताओ, तो इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, आपके हर एक सवाल का जवाब हम हमेशा की तरह दूंगा, है ना। तो देखो शुरू करते हैं आज के सेशन को, तो बात करते हैं, मूल पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि हम अब कैसे तैयारी करें मेंस का। देखो मोस्ट प्रोबेबली बात करें तो मेजर लॉ पेपर से सवाल जो बनेगा वो यही है, एपीयू एग्जाम के रिस्पेक्ट में, बिहार एपीयू के रिस्पेक्ट बात करें तो मोस्ट जो सब्जेक्ट, प्रोबेबल सब्जेक्ट है वो क्या है, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, है ना। इसके साथ आपको जीके पढ़ना है, जीके जीएस, और प्लस माइनर, माइनर एक्ट, माइनर एक्ट पढ़ना है, जिसमें एस सी एस टी पढ़ना है, एस सी एस टी एक्ट पढ़ना है आपको, पॉक्सो एक्ट पढ़ना है आपको, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ना है आपको, डॉरी प्रोहिबिशन, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ना है आपको, आपको आर्म्स एक्ट पढ़ना है। मतलब कहने का है क्या कि ये सभी माइनर एक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे उतना ही इंटेंसिटी के साथ जितना कि आप मेजर लॉ पेपर को दोगे। इसको ऐसे ही लेके मत चलना, याद रखिए यही असली खिलाड़ी होता है, यही असली मामला को पलटता है। क्योंकि देखो मेजर लॉ पेपर पे तो हर लोग अपना फोकस बनाए है, माइनर को बहुत कम लोग फोकस करते हैं। आप ऐसा गलती मत करना। तो पढ़ना क्या क्या चीज़ है ये आपके सामने है, इसी पे आपको सबसे अधिक फोकस करना है, इसी सब सब्जेक्ट पे। सवाल उठता है कि बहुत सारा लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगा सीआरपीसी पे, एविडेंस एक्ट पे, आईपीसी पे, जीके जीएस के लिए हम जो रिकमेंड करेंगे, तो जीके जीएस के लिए लूसेंट ही काफ़ी है, लूसेंट से ही आप कवर कप कर लोगे जीके जीएस को, बहुत हो जाएगा, लूसेंट काफ़ी है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बहुत सारा वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप अनअकैडमी मुझे फॉलो करो, मुझे बताओ कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, उस पर हम लेक्चर दे देंगे आपको। एविडेंस एक्ट का बहुत सारा जो लेक्चर वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। तो कहने का मतलब है कि ये सब आपको पढ़ना है, जो टॉपिक छूट रहा है कमेंट करना, बना देंगे आपके लिए वीडियो हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इस पहलू को लेकर चले मेजर लॉ पेपर को,
तो तैयारी कैसे करें। अभी मान के चलिए कि आपके पास दो मंथ है प्रिपरेशन को, दो मंथ से अधिक ही होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं दो महीना है, दो मंथ को ही मान के चलते हैं, तो प्रिपरेशन करना कैसे है आपको, अब ये बात पे आते हैं। पढ़ना क्या है, अब पढ़ना कैसे है इस बात पे आते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि सर 10 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, 12 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर एक दिन 12 घंटा पढ़ भी लोगे तो दूसरा दिन आप पढ़ नहीं पाओगे। सही बात है, ये सच है। अगर आप एक दिन 14 घंटा 12 घंटा पढ़ लिए और दूसरे दिन आप नहीं पढ़ पाए तो क्या फ़ायदा वैसे पढ़ाई का, कोई फ़ायदा नहीं है ना। पढ़ो इस तरीके से कि आप रेगुलरिटी बनाए रखो, तो कम से कम आप कोशिश करो कि चलो एक दिन कैसे पढ़ना ये बता रहे हैं आपको। देखो अल्टरनेट कर दो, मान लो कि एक दिन हम लोगों ने इसको कवर अप किया तो दूसरे दिन इसको कवर अप करेंगे। अब कवर अप करेंगे तो कैसे कवर अप करेंगे ये बताते हैं। यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट देखो कितना है, 1 2 3 4 चार सब्जेक्ट है ना, चार सब्जेक्ट है, तीन चार सब्जेक्ट है। तो करना क्या है आपको कि मॉर्निंग का टाइम बनाइए, मॉर्निंग का सेशन में आप कवर कर लीजिए दोनों को। आप मान लीजिए CRPC और एविडेंस को कवर अप कर लिए, आपको हम बता रहे हैं तरीका कि कैसे पढ़ा जाता है, आप अपना प्रिपरेशन कैसे करोगे, है ना। तो मान लेते हैं मॉर्निंग में आप CRPC एविडेंस को ले लिए, बस जब CRPC एविडेंस को आप जब पढ़ोगे तो सिर्फ CRPC एविडेंस को यहाँ पढ़ रहे हो। और कोशिश करना है कि लिखने का हैबिट बनाना है, जी हाँ लिखने का हैबिट जरूर बनाइएगा। जो भी टॉपिक उठाए, फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन आपने पढ़ा, राइट, आपने ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा, तो बस पढ़ के छोड़ नहीं देना, उसको लिखना भी है आप क्या समझ रहे हो। आप अगर हेल्प भी लेना चाहते हो बुक का कि कुछ पॉइंट मिस हो रहा है क्या है, तो देख सकते हो बुक को, लेकिन राइटिंग का लिखने का हैबिट जरूर बनाना है। तो सुबह में करना है CRPC एविडेंस को आप लोग कवर कर लेना, बहुत होता है। मान के चलते हैं कि दो घंटा भी CRPC को देते हैं एक दिन में, दो घंटा CRPC को एक दिन में दिए बहुत है, एक दिन सुबह का दो घंटा दे दिए बहुत है, एविडेंस एक्ट दो घंटा दे दिए बहुत है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अब देखो IPC को कितना समय दोगे, एक घंटा भी दोगे IPC को तो सफिशियंट है, आप नहीं तो दो घंटा दे सकते हो, शाम का समय में दो घंटा दे दिए और एक घंटा GK के लिए निकाल लिए। तो आप एक स्ट्रैटेजी बना लिए कि हाँ हमको इतना इतना घंटा देना ही है, और राइटिंग तो मस्ट है, लिखना जरूर है। तो ये था आपका कि स्ट्रैटेजी आपको पढ़ना कैसे। तो एक दिन आपने ये पूरा पढ़ लिया, अब दूसरे दिन क्या करना है, SC ST एक्ट को फोकस करना है, पॉक्सो एक्ट को फोकस करना है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को फोकस करना है, डॉरी प्रोहिबिशन को फोकस करना है। तो ये सब छोटा छोटा माइनर पेपर है, इसको आप बेयर एक्ट से ही कवर कर लोगे, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, करना कैसे बताते हैं, बेयर एक्ट से ही कवर अप हो जाएगा ये सब। अब बेयर एक्ट से ही कवर हो जाएगा, कुछ कुछ सेक्शन है इसमें, ज़्यादा सेक्शन है नहीं। अब सवाल उठता है कि इस इतने ये जो माइनर लॉ पेपर है इसका हमको वीडियो लेक्चर सीरीज कहाँ से मिलेगा। तो आपको एक बात बता दे, बहुत आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, आप लोग ये बात जानो कि SC ST एक्ट का, पॉक्सो एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, मीन्स टू से कि माइनर लॉ पेपर का हम पूरा का पूरा वीडियो बना दिए हैं, पूरा का वीडियो, एक एक सेक्शन को बताएं पूरे डिटेल में, एक एक सेक्शन को SC ST एक्ट का, पॉक्सो का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, डॉरी प्रोहिबिशन का, एक एक सेक्शन बताए हैं, एक एक सेक्शन को हम बता दिए हैं, इसमें जो रूल्स है वो भी हम बताए हैं। तो आप लोगों को माइनर एक्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग भी मत लगाइएगा, बेयर एक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो का हेल्प लीजिएगा। आप वीडियो देखिएगा पूरा, इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक पूरा का पूरा सेशन कवर किए, पूरा कोर्स कंप्लीट किए आपको माइनर लॉ पेपर का। तो ये बात आपको बता दें कि इस पे पूरा जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आपको टेंशन का कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़े माइनर पेपर को। तो ये हो गया आपको माइनर पेपर का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर माइनर लॉ पेपर कैसे कवर अप करेंगे, तो कैसे कवर अप होगा ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसको भी करना है सेम दूसरे दिन, अगले दिन, फिर यहां से तीन पेपर, एक एक घंटा, इसको ज़्यादा नहीं, एक एक घंटा। और चेक करना है कि मेंस के दृष्टिकोण से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद देखने से लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है माइनर लॉ पेपर में, तो बस उस पर ज़्यादा फोकस करना। तो एक घंटा SC ST एक्ट को, एक घंटा पॉक्सो एक्ट को, एक घंटा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को, फिर शाम के समय में इवनिंग में दे देना इसको एक घंटा, और इसको एक घंटा दे देना आप, हो गया, बहुत हो गया, 5 घंटा 6 घंटा। तो जैसे इसको आप पढ़ लोगे, फिर इसको ब्रेक करना, ब्रेक करके फिर दूसरे दिन अल्टरनेट डे, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है इधर, फिर अगले दिन इस पर पूरा फोकस करना है। अब देखो ये तो ये हो गया आपका कि ऐसा सिस्टम से पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, ट्राई करके देखना। लेकिन आपको मैं एक बार बता दे, आप जब पढ़ो ना तो कैसे पढ़ो ये भी समझ लीजिए। स्ट्रैटेजी तो समझा दी है कि ऐसे, अब लेकिन अब आगे जो
आगे जो प्रोसीड करेंगे वो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखो, जब भी आप चैप्टर वन पढ़ें, चैप्टर वन पढ़ें, तो हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं कि चैप्टर टू थ्री खींच दिए, रिवीजन भी ज़रूरी है, तो रिवाइज करते हुए चलना, रिवाइज पीछे करते, ठीक है थोड़ा सा ही हम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा दो ही प्रोविजन को पढ़ेंगे लेकिन पीछे का नहीं छोड़ेंगे। और मेंस के प्रस्पेक्टिव से सब चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, याद रखिए मेंस के प्रस्पेक्टिव से सब चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। हम आपको इस माइनर लॉ पेपर में बताएं और ये मेजर में भी अप्लाई होगा, हर चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको खुद दिख जाएगा कि कौन सा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण के तौर पर हम सीआरपीसी का लें तो ट्रायल प्रोसीजर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रायल प्रोसीजर पूरा, सेशन कोड ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल पढ़ना जरूरी है, ट्रायल प्रोसीजर का पूरा प्रोविजन पढ़ लीजिए, अरेस्ट पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद बेल पढ़ लीजिए, अपील पढ़ लीजिए, मतलब आपको दिख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये था सीआरपीसी की। उसी तरीके से एविडेंस एक्ट में देखो, एविडेंस एक्ट पे पूरा फोकस बना दो, 167 सेक्शन है, बहुत कम है और बहुत हल्का है एविडेंस एक्ट, और नंबर अच्छा उठता है, तो एविडेंस एक्ट पे पूरा जोड़ देना आप लोग। और आईपीसी में भी सब देखो, मर्डर, कैपिटल होमिसाइड, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, यही सब इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा होगा, किडनैपिंग, तो वही फोकस करना है, रेप, यही सब तो है जो मेंस के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखो, यही सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस दृष्टिकोण से पढ़ाई करना है आपको, सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आपको किसी भी सब्जेक्ट का, पूछ लो हमसे, है ना, हम आपको फिर से क्लेरिफाई कर देंगे। हम लाइव आते हैं 9 बजे ठीक यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का हर एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर समझ में आ गया बात कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, पढ़ा कैसे जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब बात आपको हम बता दिए कि आप अपना प्रिपरेशन अगर इस तरीके से करते हो बिहार एपीयू एग्जाम के रिस्पेक्ट में, तो फिर आप क्रैक कर दोगे। तो डेली 6 घंटा 5 घंटा सफिशेंट है, लेकिन लगातार होना चाहिए। तो ये था उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमें बार बार हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बोल रहे थे कि सर ऐसा बनाओ कि कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, माइनर लॉ पेपर को कैसे कवर करें। अब समझ में आ गया कैसे कवर अप होगा माइनर लॉ पेपर, मेजर लॉ पेपर। चलिए, तो बस इतना ही उद्देश्य था इस वीडियो का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े।